हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी दुर्गा पूजा के सारे रिचुअल्स। सप्तमी से लेके दशमी तक हम लोग क्या क्या करते हैं, हम सब बंगालीज को तो पता ही है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं बना रही हूँ मेरे सारे नॉन बंगाली बेल्ट के जो भी फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा ही लगेगा। ये है सप्तमी के दिन अर्ली मॉर्निंग, जिस दिन हम लोग शुरू करते हैं कोलाबो स्नान से। कोलाबो है गणेश जी के वाइफ हम लोग मानते हैं। फिर सप्तमी के पूजा शुरू हो जाते हैं और शुरू होता है हमारे दुर्गा पूजा के सारे रिचुअल्स। फिर अष्टमी के मॉर्निंग में हम लोग, ये देखिए, ये इस बार फ्रूट्स के ये माला पहनाए जा रहे हैं। हर साल ये लोग पहनाते हैं, बहुत कम क्लब है जहाँ पे ये पहनाए जाते हैं, बट ये बैद्यपारा सार्वजनिक ये क्लब है, यहाँ पे हर साल पहनाया जाता है। तो इस बार मेरी दीदी ने ये दिए है और क्लब के जो सदस्य है वो लोग बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्रूट्स 26 किलो फ्रूट्स लेके आके ये माला खुद अपने हाथों से बना के दिए है। तो मतलब मन भर गए ये देख के। फिर माँ को पहनाया जाता है कमल फूल के ये माला, लोटस के ये माला पहनाया जाते हैं अष्टमी के दिन मॉर्निंग। ये भी अर्ली मॉर्निंग है, 7 बजे का टाइम था। फिर माँ को पहनाया जाते हैं बेल पत्ता जो होते हैं ना, बेल पत्ता के ये माला, 108 पत्ता तो होना ही चाहिए बट ये बहुत ज़्यादा है, उसके माला पहनाए जाते हैं। फिर फूलों के माला से माँ को सजाए जाते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग अष्टमी के दिन पहनाते हैं। ये क्लब मेरे घर के बिल्कुल पास है। हम लोग जैसे मतलब अपने घर पे पूजा हो तो जो फीलिंग होता है ना, वही वाला फीलिंग हमें मिलते हैं, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही अच्छा एक घर जैसे माहौल मिलते हैं। और इनके खासियत है ये जो मूर्ति, इन लोग पैंडल में ज़्यादा खर्च नहीं करते, बट ये मूर्ति आप देख सकते हैं वो जैसे लगता है माँ स्वयं अपने सामने खड़ी है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा ये लोग लेके आते हैं। माँ के सजावट के बाद अष्टमी के पूजा शुरू हो गए और इसके बाद ही 9 बजे से पुष्पांजलि का टाइम था, तो वो भी शुरू हो गए। अष्टमी का दिन एक ऐसा ही खास दिन होते हैं हम बंगालीज के लिए, जो मतलब आपको कोई भी एक बंगाली नहीं मिलेंगे जो नए कपड़े नहीं पहनते इस दिन और पुष्पांजलि के लिए नहीं आते हैं। तो हम लोग इस पुष्पांजलि को कभी मिस नहीं करते हैं। अष्टमी के पूजा के बाद इस बार दोपहर 3 बजे का टाइम था संधि पूजा के लिए। संधि पूजा है जब अष्टमी तिथि ख़त्म होके नवमी तिथि शुरू होते हैं, महानवमी शुरू होते हैं, तो वही संधि क्षण है। तो इस टाइम पे संधि पूजा होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अभी बहुत बढ़िया तरीके से संधि पूजा में, देखिए यहाँ पे लोटस के फूल, कमल के फूल माँ को चढ़ाए जाते हैं 108। फिर इस टाइम पे ही यहाँ पे ये 108 दिए जलाए जाते हैं। फिर माँ का भोग चढ़ाए जाते हैं। फिर माँ के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पुजारी जी वो आरती करते हैं। तो आप आरती भी देखिए, बहुत ही मतलब मन को छू जाने वाली वो क्षण होते हैं। और उस टाइम पे माँ के चेहरे की तरफ आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये माँ का प्रतिमा मतलब मिट्टी से बने हुए है, आपको लगेगा कि स्वयं माँ अपने सामने, आपके सामने खड़ी है, आपको वही वाला फीलिंग होगा। इस क्लब में पुष्पांजलि, अष्टमी की पुष्पांजलि और ये संधि पूजा इतने लाइक नियम मान के इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये अष्टमी की अंजलि और ये संधि पूजा अटेंड करने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं पुजारी जी में वो जोश है अभी आरती के टाइम पे। बहुत जोश के साथ वो पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है नवमी के दिन हवन, जो एक्चुअली संधि पूजा के बाद ही किया जाता है, बट संधि पूजा का टाइम एक एक साल एक एक टाइम पे होते हैं और टाइम पे, तो नवमी के दिन यहाँ पे हवन किए जाते हैं। और अभी है विजयदशमी का टाइम,
तो अभी माँ की विदाई का बंदोबस्त कर रहे हैं, सारे औरतें आके माँ को वरण कर रहे हैं, सभी देवताओं को वरण कर रहे हैं। तो इसके बाद ही माँ को हम लोग निरंजन के लिए लेके जाएंगे। तो ये टाइम बहुत ही मतलब मन ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी घर जाना पड़ेगा। अभी मैं अभी मायके आई हुई हूँ, तो मुझे भी वापस जाना पड़ेगा। ये जो ग्रे कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, ये मेरे माँ बाबा का घर है, अपार्टमेंट। तो इसके पीछे का ही ये पॉन्ड, तो इसके बालकनी से ही मैं सारे अभी वीडियोस कैप्चर करूँगी। ये है वो घाट जहाँ से सभी मूर्ति जो भी यहाँ पे आसपास के पूजा हुए हैं, सबको यहाँ से माँ का मूर्ति निरंजन करते हैं। तो इवनिंग का टाइम है, तो अभी इवनिंग टाइम में सभी आ रहे हैं माँ के विसर्जन के लिए यहाँ पे। ये पौंड एक्चुअली प्रतिष्ठित पौंड है, हर किसी पौंड में आप जाके माँ को विसर्जन नहीं कर सकते, तो इस पौंड में सब आएंगे। ऐसे ही माँ को हम कैलाश की तरफ भेजते हैं। तो ये क्षण बहुत ही लाइक मन को उदास कर देने वाले क्षण होते हैं। आज जैसे एकादशी है, इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा मन अभी भी उदास है कि क्यों मुझे कल वापस जाना है अपने घर, फिर काम काज सब शुरू, फिर हम लोग माँ के प्रतीक्षा में रहते हैं कि माँ कब आएंगे नेक्स्ट ईयर। हम इस साल अभी से बैठ के दिन देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर माँ किस दिन आने वाले हैं। ये वीडियो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने का कोशिश किया है, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे बाकी दो चैनल मुक्ति दिशा और सुरो साज, ये दोनों म्यूज़िक चैनल को भी आप अपना प्यार बरसाइएगा इस चैनल के साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।